सड़कों पर उमड़ा भारी जनसैलाब, हाथों में पोस्टर बैनर के साथ मार्च, दुकानों में तोड़फोड़ और आगजनी करते हुए प्रदर्शनकारी, और बेकाबू प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले दागते हुए पुलिसकर्मी। ये भारी विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी की है, जहां 43 छात्रों की हुई हत्या मामले में इंसाफ की मांग को लेकर सड़कों पर हजारों लोग उतर आए और सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। 43 छात्रों की हत्या के पांचवें बरस पर न सिर्फ विरोध प्रदर्शन हुआ बल्कि तोड़फोड़ और हिंसा भी जमकर हुई। प्रदर्शनकारियों ने जहां कई दुकानों और मकानों में आग लगा दी, वहीं बेकाबू प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए पुलिस कर्मियों ने आंसू गैस के गोले छोड़े और फायरिंग की। दरअसल पोस्टर बैनर में दिख रहे ये छात्र 2014 में लापता हो गए थे, बाद में सभी 43 छात्रों की हत्या कर दी गई थी। हैरानी की बात यह है कि इन छात्रों का शव भी इनके परिजनों को अभी तक नहीं मिल पाया है। मैक्सिको सरकार के मुताबिक इन छात्रों को इगुआला शहर की पुलिस ने एक ड्रग माफिया को सौंप दिया था, जिसने उसकी हत्या कर शवों को जला दिया था। मैक्सिको की मीडिया के मुताबिक मृतक छात्रों की पुलिस के साथ किसी बात को लेकर झड़प हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने इन छात्रों को ड्रग माफिया को सौंप दिया था। आज तक देर हुई।